तो कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डीजल अनुदान का आवेदन आप अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीजल अनुदान क्या होता है। डीजल अनुदान वैसे किसान को मिलते हैं जिनका खेती करते हैं और उनका जो पानी पटाते हैं वो अपने खेत में, और उनमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है पानी पटाने में, उसका पैसा सरकार देता है, जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से मिल जाता है आपके बैंक में, डायरेक्ट आपको पैसा भेज दिया जाता है। तो उसके लिए आप अपना डीजल अनुदान का फॉर्म फिल करेंगे और अपना दस्तावेज दिखाएंगे, यानी कि आपका जो खर्च हुआ है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपके बैंक में आपको 1 मंथ के अंदर ही आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसके लिए फॉर्म आप अपने घर बैठे ही कैसे फिल करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक रखेंगे जिससे कि आप डीजल अनुदान का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आए हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको इस वेबसाइट पे आ जाएंगे या आप गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे डीबीटी, डीबीटी सर्च करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद सबसे टॉप में ही आपको वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, फर्दर वेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है डीबीटी एग्रीकल्चर डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप क्लोज करेंगे। यह नोटिफिकेशन का आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि जिन लोगों को 2000 का किस्त मिला है उन सभी को केवाईसी करने के लिए यह नोटिस दिया गया है। तो इसे आप अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसीड टू होम पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं डीजल अनुदान खरीफ के लिए है, जो कि यहाँ पे आवेदन करें 2022 से 2023 है और अभी तक स्टार्टिंग से 1100 व्यक्ति ने आवेदन किया है। और इसमें जितना जल्दी आप आवेदन कर देते हैं उतना ही जल्दी आपको पैसा मिल जाते हैं, जो कि पिछले साल काफी लोगों ने भरा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग भरा है, यहाँ पे देख सकते हैं 19-20 में कितने भरे थे। तो इस तरह से काफी लोग भरते हैं, फिल करते हैं। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जो कि आवेदन करे, तो यहाँ पे जो है 2022 से 2023 है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड खोजे, जो कि यहाँ पे आप उस बॉक्स आएगा जो कि अनुदान का प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि डीजल अनुदान आवेदन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह मौसम आपको खरीफ के लिए है यह अनुदान। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के पूर्व डीजल रसीद आपको मांगा जाता है, जो कि JPG फाइल में फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि वह 100 KB के अंदर ही अपलोड करना होगा। उसके बाद थ्री में है जो कि बंटवारा एंड स्वयं है, तो आप यहाँ पे अपना जानकारी देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सत्यापन दस्तावेज आपको देना है जो कि JPG फाइल में होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह जो है उनके पास खेती नहीं है और वह बंटवारा करते हैं किसी से या वह कनी पे लिए हुए हैं, तो उनके लिए यह फॉर्म आप वो फिल कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं वास्तविक खेतिहर बटाईदार है, जो कि जो किसान बटैया करते हैं उनके लिए फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फिल करने के लिए नॉर्मली आपको कुछ नहीं भरना है। आप अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम भरेंगे, गाँव का नाम भरेंगे, पंचायत नेम भरेंगे, प्रखंड आप भरेंगे, जिला भरेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने थान नंबर भरेंगे, जमीन का खेसा नंबर भरेंगे, भूमि का नाम किसके नाम से है, चौहद्दी भरेंगे, कुल रकबा कितना है, अपने पटवन कितने किया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे एक किसान का नाम देना होगा जो कि गवाह होना चाहिए, तो उनका किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका पता उता सारा कुछ देना है। तो यहाँ पे किसान का नाम, किसान का पता देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, हस्ताक्षर करवाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और जिस व्यक्ति के नाम से आप डीजल अनुदान फिल करेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर या अंगूठा उनका लेंगे। और यहाँ पे सत्यापन यहाँ पे दो व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो है वार्ड सदस्य के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं एंड एक है जो कि किसान सलाहकार के माध्यम से यहाँ पे सत्यापन कर सकते हैं। तो यह फॉर्म को फिल करने के बाद, सत्यापन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो उसके लिए फिर से इस पेज पे आ जाएंगे, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे पंजीकरण पे सिलेक्ट करेंगे और पंजीकरण जाने पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे खोजे हैं, रिकॉर्ड खोजे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको निकालना है, तो यहाँ पे आधार नंबर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार सिलेक्ट करेंगे, आपका आधार नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, पे शो हो जाएगा, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि किसान पंजीकरण से यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है, और किसान का नाम यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, जन्म तिथि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपने किसान रजिस्ट्रेशन में जो भी डाटा दिया है वह सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रकार है, डिजिटल अनुदान आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना है, और यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल अनुदान आवेदन का रसीद जो है, जो कि 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 तक ही मान होगा। अगर आपने डीजल अनुदान के लिए फिल कर रहे हैं तो डीजल अनुदान का पर्ची, जैसे कि आप कटवाते हैं डीजल जाते हैं कहीं भी पेट्रोल पंप पे खरीदने, तो उनका पर्ची का टाइम है जो कि 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 तक ही यहां पे मान्य किया जाएगा, और उस पर भी आपको जो रसीद कटाएंगे उस पर आपको किसान पंजीकरण संख्या वहाँ पर टाइप करना होता है, जो कि आपने जो बताया है मैंने कि किस तरह से निकालनी है, वो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या उस पेपर पे आपको लिखवानी होगी कंप्यूटराइज, तभी आपको पैसा मिलेगा, जो कि यहाँ पे नोट डाउन में लिखा हुआ है देख सकते हैं। डीजल रसीद कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, जब रसीद पर पंजीकरण संख्या होना चाहिए जो कि लास्ट के 10 अक्षर होना चाहिए, इस तरह से आपको वहाँ पे किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा भी होना चाहिए, तभी वह रसीद को मान किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बजाबते के साथ। तो आप अपना जब जहाँ भी आप डीजल लेते हैं तो वहाँ पे आपको कहेंगे कि मैं इसे पे किसान रजिस्ट्रेशन संख्या आप यहाँ पे टाइप करेंगे और कंप्यूटराइज आप लेंगे, जो कि आपको कंप्यूटर से निकाल के दे दिया जाएगा। वह रसीद प्राप्त हो जाने के बाद आप यह फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जमीन का वितरण देनी है, तो यहाँ पे मौसम है, मौसम पे क्लिक करेंगे, खरीफ सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फसल है, फसल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अभी जो खेती हो रहा है देख सकते हैं जो कि धान का है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिंचाई का कुल संख्या कितने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह सर्वर थोड़ा सा स्लो होता है, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपने कितने बार सिंचाई किया है, तो 1, 2, 3 है, यानी कि आपने एक बार पटनी किया है, दो बार किया है या तीन बार किया है, तो यहाँ पे आपको बतानी है जो कि सिंचाई की कुल संख्या कितने हो गया है, तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट करेंगे। उसका फिर से यहाँ पे किसान का प्रकार है यहाँ पे ले सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे स्वयं है, बटाई है, एंड यहाँ पे स्वयं बटाई दोनों है। स्वयं मतलब होता है जो कि आपके नाम से या अपने दादा परदादा के नाम से जमीन है, यानी कि खुद के नाम से जमीन है, और तो यहाँ पे स्वयं सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और को खेती करने के लिए देते हैं उसको बटाई बोलते हैं, तो यहाँ पे आप किसी का खेती लेकर करते हैं तो बटेदार में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर बटेदार आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इस फॉर्म को आपको फिल करना ही होगा, अगर आप स्वयं आप करते हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं करना होगा, तो यह ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ पे मैं स्वयं हूँ तो स्वयं पे सिलेक्ट करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे कुल जमीन है जो कि यहाँ पे दे सकते हैं कि आप कितने जमीन को खेती किए हैं और कितने में पटनी किए हैं, तो यहाँ पे वह वितरण देना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं 1 एकर, यानी कि 1 बीघा के आप 100 डिसमिल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको 2 एकर के खेती करते हैं, 3 एकर खेती करते हैं तो यहाँ पे 300 लिखेंगे, अगर आप 1.5 एकर करते हैं तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एकर बराबर 100 डिसमिल, तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, अगर 300 है, अगर 3 एकर करते हैं तो 300 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, कुर आपको रकबा क्या है वो रकबा आपको यहाँ पे दर्शानी है, एंड यहाँ पे बगल का किसान का नाम यहाँ पे आपको देनी है और एक और बगल का किसान का नाम देंगे, तो यहाँ पे आपका जैसे कि खाता है 1657 है तो 1657 टाइप करेंगे, खेसरा नंबर जैसे कि 1460 है तो 1460 है तो 1460 यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद थाना नंबर क्या है तो आप अपने जमीन के थाना नंबर भी पता होना चाहिए जो कि रसीद पे लिखा होता है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे इस खेसरा नंबर में कितने जमीन है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ 60 है, जो कि 60 डिसमिल यहाँ पे मैं टाइप किया, और यहाँ पे बगल का किसान का नाम है जो कि आपका बगल के पड़ोसी कौन है खेत में, तो यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है बगल के किसान का नाम आपको एक और देना होगा, तो यहाँ पे आप यहाँ उनका भी नाम लिख देंगे जो कि किसान होना चाहिए आपके बगल का। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है 64 डिसमिल, जो कि यहाँ पे मैंने दर्शाया है 300 डिसमिल, ठीक है, तो यहाँ पे 300 डिसमिल को यहाँ पे आपको दर्शानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एड न्यू रो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे 1657 फिर से खाता नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका खेसरा है तो यहाँ पे अपना खेसरा नंबर टाइप करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ फिर से थाना नंबर टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे जो भी डिसमिल है तो वह डिसमिल यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ जो
आप 300 डिसमिल लिखे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 डिसमिल जना सकते हैं, अदरवाइज आपको जितना लिखेंगे उतना वेस्ट होगा, जो कि आप नंबर बाय नंबर लिखते हैं तो भी वेस्ट होता है, जो कि आपको किसान सलाहकार आपको रिजेक्ट नहीं करे। तो इसके लिए आप यहाँ पे जितने भी आपकी ज़मीन है खाता खेसरा वो सारा यहाँ पे दर्शा देंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 कॉलम को फिल किया है, टोटल जो डिसमिल है यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी डिसमिल मैंने लिखा है वो सारा डिसमिल का यहाँ पे जोड़ कर दे देगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे जो है क्रय किए गए डिजिटल मूल्य, तो आपने जो डीजल खरीदा है तो आप कितने रुपये का खरीदा है आपको प्रिंट आउट पे लिखा होगा, तो वहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है 6,500 कुछ रुपया है, तो यहाँ पे 6,500 कुछ रुपया लिखेंगे, जितना भी आपको पैसा पैसा यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डिजिटल को रसीद संख्या क्या है वह रसीद संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी है आप यहाँ अपना टाइप कर देंगे जो कि आपको रसीद पे लिखा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट है आपने किस डेट में परचेस किया है डीजल को, किस डेट में आपने डीजल पेट्रोल पंप से खरीदा है वह डेट आपको वहाँ पे लिखा होगा, जो कि आपको रसीद पे भी लिखा होता है, तो वह रसीद पे देख लेंगे और यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट कर लेंगे। जो कि डेट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पहले दिन लिखेंगे और यहाँ पे डैश देंगे एंड यहाँ पे अपना जो डेट है वो डेट यहाँ पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे 2022 यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका डेट जब का है परचेज का वो डेट यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम क्या है, तो आपके रसीद पे लिखा होगा पेट्रोल पंप के नाम, तो यहाँ पे अपना पेट्रोल पंप का नाम टाइप कर देंगे एंड यहाँ पे प्रखंड है तो यह पेट्रोल पंप कहाँ पे है, किस प्रखंड में है, वो प्रखंड का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डुमना लिख दिया है और यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको अनुदान का राशि जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं लिखा हुआ है 3,986 रुपया, तो इतने अमाउंट तक आप लाभ ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 6,000 दर्शाया है 6,500, तो यहाँ पे इतना अनुदान जो है मुझे मिलेगा। सारा डाटा यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आपको ओटीपी सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि च्वाइस फाइल है जो कि आपको रसीद अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं डीजल अनुदान का रसीद, जो कि डेट आपको बताया गया है और वह कंप्यूटराइज होना चाहिए तभी आपका जो है मान होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए उस रसीद पे, तो अपना सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कैन करके 100 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टिक करेंगे, सहमति देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको 2 से 3 महीना तक यह अप्लाई आवेदन स्टार्ट होता है, जो कि उसके बाद आपका जो है पैसा आपको 3 महीने के बाद आपको बैंक में डायरेक्टली पैसा भेज दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या पास हुआ है तो वो भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आया हुआ बेल आइकन को और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता है एक नए वीडियो साथ, जय हिंद।